इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और राज कुंद्रा के पॉन स्कैंडल में शिल्पा शेट्टी को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा है कि बहुत से बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातें इस वक्त मुंबई की मीडिया में भी चल रही हैं। इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन आज इंडिया टीवी के चार रिपोर्टर्स ने की है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पॉन स्कैंडल को लेकर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बीच क्या हंगामा हुआ है। राज कुंद्रा और उनके पोर्न स्कैंडल पर बहुत सी रिपोर्ट छप रही है। इन अखबारों के मुंबई एडिशन की ये हेडलाइन देखिए, सब में ये बताया जा रहा है कि पुलिस की रेड के बाद क्या हुआ, शिल्पा शेट्टी का राज कुंद्रा से झगड़ा हुआ, शिल्पा शेट्टी रोने लगी और राज कुंद्रा से कहा कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा से बड़ा नाम है और इस वक्त पोर्नोग्राफी स्कैंडल सामने आने के बाद दोनों के बीच लड़ाई की बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट है कि जब क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर जुहू स्थित उनके घर पर पहुंची तो वहां पर शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से ही एक के बाद एक कई सवाल दागने शुरू कर दिए। राज कुंद्रा से झगड़ा होने के बाद शिल्पा शेट्टी रोने लगी। अपने घर में खिड़की के सामने समंदर को देखकर तब तक रोती रही जब तक घर में रेड खत्म नहीं हुई। पोर्न स्कैंडल में गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के बीच तनातनी देखने को मिली है। जब मुंबई पुलिस राज कुंद्रा के घर जांच के लिए गई थी तब शिल्पा शेट्टी गुस्से में चिल्लाकर बोली कि जब हमारे पास सब कुछ है तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी ने कैसे रिएक्ट किया इस पर सबकी नजर थी और फिर जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। घर में क्या हुआ इस बारे में पुलिस से बहुत सी बातें पता चली है। जब घर में रेड चल रही थी उस दरमियान शिल्पा शेट्टी बहुत इमोशनल हो गई। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी एक सेलिब्रिटी कपल हैं और राज कुंद्रा का पोर्नोग्राफी मामले में नाम आने के बाद बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। पति पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के एक्शन के बाद शिल्पा शेट्टी भी फोकस में है। पोर्नोग्राफी रैकेट में पति राज कुंद्रा का नाम आने पर शिल्पा शेट्टी रोने लगी और फिर वो राज कुंद्रा पर चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इन हरकतों से परिवार बदनाम हुआ है और उन्हें भी कई प्रोजेक्ट छोड़ने पड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने कहा कि राज कुंद्रा की वजह से उनकी इमेज को भी धक्का पहुंचा है। राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन शिल्पा शेट्टी काफी गुस्से में थी, रो भी रही थी और राज कुंद्रा पर चिल्ला भी रही थी। शिल्पा ने कहा है कि इस मामले के बाद इंडस्ट्री में उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और एंडोर्समेंट्स पर काफी असर पड़ रहा है जिससे उसके परिवार को नुकसान हो रहा है। पोर्नोग्राफी स्कैंडल में राज कुंद्रा का नाम आने के बाद सिर्फ शिल्पा शेट्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश चौंका है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब राज कुंद्रा के अगले 14 दिन जेल में गुजरेंगे। राज कुंद्रा, उनका पोर्न रैकेट और पुलिस की रेड के दौरान मिली उनकी सीक्रेट आलमारी। राज कुंद्रा के पोर्न बिजनेस में कई बड़े और चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं। पोर्न ऐप को लेकर सभी वो किरदार जो इस केस में जांच के दायरे में हैं, जिस तरह जांच तेजी से चल रही है उससे इस केस में अगले 24 से 48 घंटे में ऐसे बड़े नाम भी आ सकते हैं जो सबको चौंका सकते हैं। अभी खुद राज कुंद्रा जेल में है, उनकी कंपनी के 4 कर्मचारी इस केस में गवाह बनाए जा रहे हैं। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच ने FIR कॉपी ED को हैंडओवर कर दिया है और ED इस FIR कॉपी की स्टडी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि पूरा मामला करोड़ों रुपए के विदेशों से लेनदेन का था, ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक फाइनेंशियल ऑडिटर अपॉइंट किया है जो अपनी रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में देगा। जब ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी तो ये ED के पास भी जाएगी, ऐसे में इसकी जांच ED भी करेगी ये तय माना जा रहा है। वैसे राज कुंद्रा के अलावा उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की फाइनेंशियल डीलिंग को लेकर जांच हो रही है। अब तक शिल्पा शेट्टी से 2 बार उनके घर पर ही पूछताछ हो चुकी है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब शिल्पा शेट्टी की भी मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी के मोबाइल फोन की क्लोनिंग कराने की तैयारी कर रही है क्योंकि व्हाट्सएप पर जिन लोगों से शिल्पा शेट्टी का चैट हुआ है कंपनी के कामकाज को लेकर या फिर राज कुंद्रा से, उस चैट के कन्वर्सेशन को निकाला जा सके। लेकिन अभी तक शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। सवाल ये है कि इस बारे में शिल्पा शेट्टी कितना जानती थी। पुलिस के सूत्रों की माने तो अब तक इस पूरे मामले में शिल्पा शेट्टी की कोई सक्रिय भूमिका सामने नहीं आई है।
किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत या फिर फाइनेंशियल मामला पकड़ में नहीं आया है। राज कुंद्रा के पॉन केस में कोई कागजात ऐसा भी नहीं मिला है जिससे ये बात साबित हो सके कि शिल्पा शेट्टी का इस पूरे केस से कोई लेना देना है। लेकिन शिल्पा शेट्टी को लेकर मुंबई पुलिस एक बहुत ही अहम एंगल पर फोकस कर रही है, वो ये कि आखिर साल 2020 में शिल्पा शेट्टी ने बयान कंपनीज के डायरेक्टर के पद से क्यों इस्तीफा दिया था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक शिल्पा शेट्टी के आर्थिक लेन देन को लेकर उनके बैंक अकाउंट की जांच हो रही है। शिल्पा शेट्टी के खातों की ऑडिटिंग कराई जा रही है ताकि उससे किसी लिंक का पता चल सके। राजकुंद्रा के दफ्तर से एक हिडन यानी कि छुपी हुई अलमारी मिली है, इसे आप राजकुंद्रा की सीक्रेट अलमारी भी कह सकते हैं। और इसके अंदर एक बॉक्स रखा गया था, उस बॉक्स के अंदर राजकुंद्रा के कामकाज से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज थे, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं, कई फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मिले हैं, साथ ही साथ हिंदी और रोमन में लिखी हुई कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी बरामद की गई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।